जानते हैं उसके इतने विविध रूप हैं, वो ज्ञान भी है, केंद्र भी है और ललित कला से भी उसका संबंध है। इस प्रकार आपने हम सबको एनलाइटन किया और भी एक विस्तृत विषय है यज्ञ, ये आपने बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे जो चेयरपर्सन हैं ललिन प्रसाद जी से अनुरोध करती हूँ कि वे जो आज शोध पत्र प्रस्तुत हुए हैं उनका समीक्षात्मक मूल्यांकन। क्या कोइंसिडेंस है, क्या संयोग है, युद्ध से हमने शुरू किया और यज्ञ पे समाप्त किया। जीवन संघर्ष है, जीवन में युद्ध भी करने पड़ते हैं, बाहर और भीतर कई तरह के युद्ध हमें लड़ने पड़ते हैं। तो युद्ध, जीवन जीना एक कला है, युद्ध भी एक कला है और यज्ञ तो एक कला है ही, यज्ञ अभी हमने सुना अनिता जी से। और आज के युग में हम देखें, और आज के युग में ही क्यों, पहले भी ये था कि जीवन जीने की कला है और मरना भी एक कला है। और आज हम बहुत बार देखते हैं कि हमारे तो प्राचीन युग में जो जैसे भीष्म थे वो इच्छा मृत्यु वाली बात थी, और आज भी ये बार बार आज के चिंतक जो है ये इस बात के लिए जोर देते हैं कि हमें जीवन जीने की कला ही नहीं आनी चाहिए, मरने की कला भी आनी चाहिए। अर्थात मृत्यु को बहुत ही एक स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने की जो है कला भी आनी चाहिए। और कला लियते परमानंदे यया आत्मा सा परा कला, जब हम परा विद्या की बात करते हैं, अपरा विद्या की बात करते हैं, तो परा कला। और वास्तव में देखा जाए तो जीवन का उद्देश्य नहीं होश्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, या उस आनंद भूमि तक जिसकी सीमा कहीं नहीं। तो हम उस आनंद भूमि तक पहुंचने के लिए ही तो इन सारी कलाओं का जो है आयोजन करते हैं। और वेद पर जो बराबर चर्चा चल रही है, परसों मेरा विषय था वेद में प्रहेली का कला, तो वेद में तो सभी कलाओं का जो है हमें संकेत मिलते हैं और विस्तार से चर्चा भी है। तो ये सारी कलाएं हमें हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए हैं। और मैं इस समय एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, आज के युग में हम देखते हैं बहुत बार सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, और उन सौंदर्य प्रतियोगिताओं को लेकर कई पक्ष और विपक्ष में बातें कही जाती हैं, लेकिन हमें देखकर आश्चर्य होता है। तो सौंदर्य प्रतियोगिता में होता क्या है, प्रसाधन कला। और प्राचीन युग में हम देखें तो नाटक में नगर वधू का चुनाव होता था, तो वो भी एक तरह से सौंदर्य प्रतियोगिता ही होती थी। और हम प्राचीन युग में जाएं तो मुझे कौशिकी में एक उदाहरण मिला कि वहाँ राज नर्तकी का उल्लेख है कि राज नर्तकी कैसे चुनी जाती थी और राज नर्तकी हुआ करती थी। और प्रसाधन कला आज के युग की हम देखते हैं कि जगह जगह ब्यूटी पार्लर, और केवल महिलाओं के लिए नहीं, आजकल तो पुरुषों के लिए भी जो है क्रीम भी आ रही है और पुरुषों के भी जो है पार्लर्स खुल रहे हैं। तो सौंदर्य हमारी जो कला है, सत्यम शिवम सुंदरम, हम सब सौंदर्य के भी उपासक हैं और आनंद के मार्ग पर, आनंद हमारा हमारे जीवन का उद्देश्य है। और कोई भी कला हो हमें उसके लिए साधना करनी पड़ती है। और आपको आश्चर्य होगा कि मुझे एक जगह उल्लेख मिला कि सौंदर्य की साधना के लिए भी हमारे यहाँ एक व्रत है, और उस व्रत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। वो है लावण्य व्रत। और लावण्य व्रत कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा के उपरांत प्रतिपदा को, और एक वस्त्र बिछाकर प्रद्युमन कामदेव की स्थापना की जाती है और कामदेव की पूजा की जाती है। 3 दिन तक उपवास रखा जाता है और 1 महीने तक लगातार ये व्रत किया जाता है, जिसका उद्देश्य है सौंदर्य पाना, आनंद पाना। तो बस मैं बात कर रही हूँ तो हम सब सौंदर्य के उपासक भी रहें, आनंद के मार्ग तक चलें, आनंद पाएं, यही शुभकामना। धन्यवाद।